गुड मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, माना चौथी वाहिनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों ने किया था आईईडी ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट में दो जवान हुए थे शहीद, चार घायल हुए थे। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रद्धांजलि सभा की, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नक्सली हमले में जवान शहीद हुए हैं और शहीद जवानों को अभी श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया चल रही है। माना चौथी वाहिनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जहां पर दो जवान शहीद हुए थे तो चार जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सभी घायल जवानों का इलाज जारी है। तो वहीं फिलहाल शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां सीएम विष्णुदेव साय खुद श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया। तर्रेम में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिस ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के दो जवान शहीद हुए। तस्वीरें जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही साथ डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। सहयोगी जुल्फिकार अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जुल्फिकार, क्योंकि बहुत ही दुखद ये विषय है, समय है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, सीएम वहां पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं नक्सलवाद एक बड़ी समस्या जिससे निपटान पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और हर बार हमारे जवानों को शहीद होना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है और जो घटना हुई थी, आईडी ब्लास्ट हुआ, उसमें दो जवान शहीद हो गए और चार जवान घायल हुए थे। तो उनमें से एक रायपुर के एसटीएफ के भरत लाल साहू शहीद हुए और अभी उनको श्रद्धांजलि दी गई है। माना कैंप में चौथी बटालियन में यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रीत सेरेमनी हुई। अभी आप तस्वीरों में देखें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर जो शव वाहन है और इस शव वाहन के जरिए जो रायपुर के मोवा में उनका घर है, वहाँ पे शव को ले जाया जाएगा, शहीद के पार्थिव शव को, और आज अंतिम संस्कार होगा। तो राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है। और तस्वीरें देखें कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे थे, उन्होंने कंधा दिया, विजय शर्मा हैं, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये अब आप देखें शव वाहन में जो जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रख दिया गया है और ये जो वाहन है अब यहाँ से रवाना होगा और इसके बाद ये मोवा पहुँचेगा। तो वहाँ पे उनके जो परिजन हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये श्रद्धांजलि देने की जो रस्म थी उसको यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, रीत सेरेमनी हुई है और श्रद्धांजलि दी गई है। तो तस्वीरों में देखें कितना गमगीन माहौल है, क्योंकि जो शहीद जवान हैं उनके कुछ परिजन यहाँ पे पहुँचे थे और श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, विजय शर्मा ने, डीजीपी अशोक जुनेजा, ये तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ये यहाँ से शव वाहन के जरिए रवाना हो रहे हैं। जी, क्योंकि बहुत ही साहस का कार्य जवानों द्वारा किया गया, शहीद जवानों द्वारा किया गया और इसी साहस को हमेशा याद रखने के लिए ये श्रद्धांजलि और राष्ट्रीय सम्मान की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिली। जुल्फिकार, अगर शहीद जवानों के बारे में जाने तो आखिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे परिवार और अब परिवार वालों में कैसा माहौल? पार्थिव शरीर माना चौथी बटालियन से अब
शहादत हुई है और जिस परिवार से जवान की शहादत हुई है, तो एक तरफ देखें कि उन्होंने सबसे उच्च बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया है, और इनके परिवार की बात करें तो जो भरत साहू हैं, ये भरत साहू रायपुर के मऊवा के रहने वाले हैं और इनकी शहादत हुई है वो बीजापुर के तर्रेम में तैनात थे जहाँ पे IED ब्लास्ट हुआ। और दूसरे जो जवान जो सत्तेर सिंह, वो नारायणपुर के थे, हालांकि शहादत के बाद कल उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका हो चुका है, लेकिन जो रायपुर के थे तो रायपुर इनके शव को लाया गया और यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और DGP समेत तमाम जो पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अभी मुख्यमंत्री की तस्वीर में आप देखें कि जो शहीद का पार्थिव शरीर है उसे उनके घर रवाना किया गया है और मुख्यमंत्री यहाँ पे संदेश चीफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सत्येर सिंह, जो शहीद हुए और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी CM भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। अब किस तरह का एक्शन रहेगा? किस तरह का एक्शन रहेगा? मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। तो CM विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप। जुल्फिकार, जब से सरकार बनी है CM साय द्वारा यही कहा जा रहा है कि जल्द ही नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, अभी भी यही कहते हुए नजर आए हैं। क्या ऐसी किसी तरह की योजना बनाई गई है ठोस, जिसके दम पर ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे जवानों के जो सुरक्षा बनती है वो भी कहीं ना कहीं एक ताक पर रह जाती है जब नक्सलियों द्वारा IED ब्लास्ट और कायराना करतूत की जाती है। तो सरकार ने योजनाएं तो तैयार की हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से दावा किया था कि बहुत जल्द माओवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 महीने पहले बनी उसके बाद से अगर देखते हैं तो नक्सल मोर्चे पर जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं और उसका नतीजा ये रहा है कि बड़ी संख्या में माओवादी मारे भी गए हैं और लगातार माओवादियों के मारे जाने की खबरें आती रही हैं। तो और अभी की घटना की अगर बात करें, जो 2 दिन पहले घटना हुई जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, तो बेहद दुखद घटना है, क्योंकि उस मोर्चे पर जितने भी जवान डिप्लॉयड हैं, और महेश गागड़ा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, पूर्व मंत्री रहे हैं, वन मंत्री हैं और बीजापुर से आते हैं, और बीजापुर ही वो जगह है जो सबसे ज़्यादा माओवाद से प्रभावित जगह है। गागड़ा जी, अब आपकी सरकार है और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है कि जो सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात है उनके लिए कितना चैलेंज है और ये समस्या कब तक इसी तरीके से बनी रहेगी? देखिए, जिस तरह से बीजापुर और कोंटा दंतेवाड़ा में जिस तरह से फोर्स का इम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और सिर्फ इस जवान ही नहीं, आम नागरिक भी इसमें आता, तुम्हें कुछ दिन देख रहे हैं तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जो लोग जा रहे थे, बहुत सी माता बहनें या जवान साथी हैं इनके, इस तरह से जो प्रेशर ID उससे आतात हुए हैं, निश्चित ही दुखद भी है और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। कई बार मुझे लगता है नक्सली जवानों के लिए कर रहे हैं और उसमें जवान तो कम फंस रहे हैं, आम नागरिक ज़्यादा फंस रहे हैं। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और वहाँ शांति विकास के लिए जो संभव सरकार कर रही है और जवानों का जो मनोबल है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बस्तर में शांति की ओर बढ़ेगी। लेकिन जो संगठन, जिस तरह से संस्था ये सब काम कर रही है, ये सब बंद होना चाहिए और आप जो भी अगर
बातचीत है या फिर जो करना चाहिए उसके लिए आगे आना चाहिए। अच्छा, आप भी हमेशा नक्सलियों के टारगेट में रहे हैं और आपके दोस्तों को भी निशाना बनाया गया है, तो इस कितना खौफ उस तरफ इस तरीके की घटनाओं से होता है? बस्तर में खौफ तो है ही है, लेकिन लोग शांति भी चाहते हैं और इस तरह से विकास भी चाहते हैं, और जो बस्तर सुलझा है और अनदेखा है उसको लोग देखना भी चाहते हैं और हम दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं कि बस्तर बहुत सुंदर है और हम सबके लायक भी है, जैसे दुनियावासी बस्तर भी है। लेकिन जिस तरह से बाहरी शक्ति द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा है, जिस तरह घटना की जा रही है, आज मुझे लगता है कि बाकी जगह जैसे शांति होता है, मुझे लगता है सुरक्षा बल उन जगहों पर नहीं जाते और लोग वहाँ पर आराम से बेखौफ आना जाना करते, लेकिन जिस तरह से जो आंतरिक शक्ति काम कर रही है, ये सब कारण से हो रहा है और हम सब शांति चाहते हैं। अच्छा, माओवाद में कितने ऐसे आपके दोस्त हैं जो इसकी चपेट में आए, जो उन्हें को शिकार बनाया गया? देखिए, हम जब होश संभाले तब से लेकर और आज हम पढ़ते लेकर आज राजनीतिक समर तक बहुत से युवा साथी हैं जो साथ में पढ़े लोग हैं, तमाम लोग खोया है, जनप्रतिनिधि खोया है हमने, परिवार के लोग भी खोए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री महेश गागड़ा थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बस्तर में माओवाद का खौफ रहा है। हालांकि अब सुरक्षा बल मैदान में हैं और कई सारे कैंप खुले हैं, उसकी वजह से एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चल रहा है और माओवादी मारे भी जा रहे हैं, लेकिन बस्तर में बहुत कुछ है उनका कहना है दिखाने के लिए, माओवाद ही नहीं है। और अब वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि शांति वहाँ पर स्थापित हो और सुरक्षा बल लगातार एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका फर्क तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में कितना असर देखने को मिलता है, कितनी शांति यहाँ पर कायम हो पाती है, इस पर खैर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, तमाम जानकारी देने के लिए।